जीवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा उसकी योजना और उसका बनाकर उनको व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाए। धर्म में लीन रहने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम अब भक्तों की एक और बात को कारगर साबित करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा वासियों को एक नई सौगात दी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान के दर्शन करने सोमवार को मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस मौके पर रामलीला मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद कर इन कार्यों में लगे लोगों को अन्य व्यवसायों में लगाया जाएगा। सीएम ने कहा, 4 साल पहले 2017 में यहां की जनता की मांग पर मथुरा और वृंदावन नगर पालिकाओं को मिलाकर नगर निगम का गठन किया गया था। फिर यहां के 7 पवित्र स्थलों को राजकीय रूप से तीर्थ स्थल घोषित किया गया। अब जनता की कामना है कि इन पवित्र स्थलों पर शराब और मांस की बिक्री ना की जाए, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा ही होगा। 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया, और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा उसकी योजना और उसका बनाकर उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाए, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी। यूपी में योगी सरकार है तो आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। जन्माष्टमी में कृष्ण के भक्त बनते ही योगी आदित्यनाथ तो दुर्गा पूजा में माता रानी के भक्त में रूप में उजागर होकर नजर आते हैं। सीएम योगी मंदिर के अंदर सीएम योगी को देख ऐसा लगता है कि मानो वो आम भक्त की तरह पूरी आस्था में लीन हो गए हैं। वहीं पूजा पाठ के बाद सीएम योगी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया कि विपक्ष के होश उड़ गए। सीएम योगी ने कहा कि मांस और शराब बेचने वाले अब फल और दूध बेचेंगे। मांस और मदिरा वालों के पास व्यवसाय तो रहेगा, लेकिन फल और दूध का रहेगा। रिपोर्ट, प्राइम टीवी।